नमस्कार। मैं अपना ये 77 अपना इंडिपेंडेंस डे का इस शुभ अवसर पे मैं ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का महापौर मेयर होने के नाते मैं खास करके जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन 14 ड्यूमो और 13 ईटानगर के वासियों को मैं इस दिन का याद करते हुए बधाई देना चाहता हूँ इन पर्टिकुलर और एज ए जनरल ऑल अरुणाचल को और अपना सारा देशवासियों को अपना इस माध्यम से मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये बधाई का पात्र ये है कि आज का तारीख में हम 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे हम लोग इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि आज का दिन का इस खुशी का माहौल इस इंडिपेंडेंस डे एक ये खुला सांस खुला हवा लेने के लिए ये ऐसा नहीं आया। ये दिन इसमें बहुत सारा कुर्बानी भी हुआ है, बहुत सारा बलिदान हुआ है उन हीरोज को हमारा जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ा है, जो बलिदान दिया, अपना जान दिया, उस फैमिली को हम नमन करना चाहेगा, उस आत्माओं को हम नमन करना चाहेगा जो हमारा देश को हमारा फिरंगी का जकर से जो फ्रीडम दिलाया, उन सब हीरोज को आज हम याद करना चाहेंगे। याद करने के साथ साथ हमारा देश आज इतना साल 70 साल से भी ऊपर हम इंडिपेंडेंस होने का बात चल रहा है, इंडिया और हमारा अरुणाचल साथ साथ में जैसे कैपिटल ईटानगर को हमको ये एक अपने आप में एक प्रण लेना चाहिए। खाली सरकार को नहीं, खाली ऑफिसर्स को नहीं, सारा पब्लिक को, सारा जनजाति को हम एक प्रण लेना चाहिए। जब हम इंग्लिश का ये अपना कैद से जब हम फ्रीडम मिल गया तब हमारा देश को अभी हम प्रगति के रास्ते में ले जाना है, हमारा प्रदेश को हम इंडिया का अंडर में कंधे से कंधा मिला के बाकी स्टेट जैसे डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी स्टेट आगे बढ़े, हमारा अरुणाचल जो है गलत काम के लिए रॉन्ग डायरेक्शन, जैसे हमारा यूथ को हम अक्सर बोलते रहते हैं वो ड्रग्स मेनस में ना जाए और गलत फुटिंग में अननेसेसरी का ये यूनियन बाजी वगैरह करके हम अपना स्टेट में हम लोग जो है स्ट्राइक करते रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सरकार को मांगे नहीं करना है, सरकार को हम आंदोलन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। बहुत तौर तरीका है, करना है हमें, लेकिन उसका एक तरीका होता है। लेकिन इस फ्रीडम ईयर को मद्देनजर रखते हुए बाकी देश के बाकी स्टेट के साथ बराबर डेवलपमेंट चलने के लिए हम लोग गलत काम को छोड़ना है, स्पेशली हम युवा पीढ़ी को हम ये आह्वान करना चाहेगा, ये संदेशा देना चाहेगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो प्रदेश है जहाँ एक तरह का फूल नहीं खिलता है। कोई भी चमन आप तब देख के सुंदर दिखेगा जब हर तरह का फूल खिलेगा। इसलिए यहाँ में इसमें कोई शक नहीं है, हमको 26 बहुत बड़ा बड़ा जनजाति है, 100 से अधिक हमारा सब ट्राइब है, ये बहुत ही सुंदर प्रदेश है। इस सुंदर प्रदेश को हम आगे बढ़ाने के लिए, इस कैपिटल सिटी को हम ग्रीन क्लीन रखने के लिए, लो एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं करने के लिए, ये सबका हमारा जन भागीदारी है, हम सबका कंट्रीब्यूशन रहने से तब जाके हम लोग जो विजनरी चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू जी, हमारा नरेंद्र मोदी जी, हमारा चोना मेन जी, ऐसे ऐसे लीडर का अंदर में हम लोग नेतृत्व में बैठा हुआ है कि हम लोगों को सिर्फ दिशा दशा और उन लोगों के जो अपना पॉलिसीज है, अपना वो लोगों का जो अपने एम है, उन लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और अरुणाचल प्रदेश को, ईटानगर को बाकी देश का जैसे विकसित हो रहा है। मोदी जी जैसे बोल दिया 47 में हम लोग जो है इंडिया को हम लोग उस स्तर में देखना चाहेगा दुनिया का 1, 2, 3 कंट्रीज में टॉप 3 में आए। विद दिस हमने आज इम्पोर्टेंट डे में इम्पोर्टेंट मैसेज देते हुए और एक मैसेज आप लोगों के सामने देंगे। जब से हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर संभाला है हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश किया, जैसे हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोग जो है लाइमलाइट में लाने के लिए, पहले कोई पूछता नहीं था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यहाँ भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है बोला है। उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग 20 इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स, आपको एक बात हम क्लियर मैसेज आज देना चाहता है, हमारा 20 इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई इशू नहीं है। कभी कभार कोई चैनल में कोई पब्लिक का चर्चा में इधर उधर गॉसिपिंग करता है, कोई न्यूज़ वाला बताता है, वो बिल्कुल सही नहीं है।
मेरा तरफ से मैं एज ए लीडर एज ए कैप्टन में बोलता हूँ, हमारा 20 मेंबर्स, हमारा ऑफिसर्स, हम लोग बेझिझक लगा हुआ ईटानगर का प्रगतिशील के लिए, प्रोग्रेसिव ईटानगर क्लीन ग्रीन बनाने के लिए। तो उसका चलते हम लोग बाग दौर लेने का साथ साथ सबसे पहले तो हम लोग जितना सिख प्रोजेक्ट है, हम बार बार बोलता है सिख प्रोजेक्ट इन द सेंस ऑनगोइंग जो था अमृत वन, हम लोग अमृत टू में आज खड़ा है। अमृत 1.0 में जितना ईटानगर और नाहरलगन में काम किया, खास करके पहला वाला लोग सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान, सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान, दोनों सिख प्रोजेक्ट था हम लोग आने का साथ साथ। और तीसरा जो है हमारा गाड़ी घोड़ा को पार्किंग कहाँ करेंगे, और चौथा जो है हम लोगों का पुराना काम था ये अपना एबेटर हाउस, जो स्लक्टर हाउस भी बोलता है, मीट मछली को जहाँ में स्टेम लाइनिंग होता है वहाँ में मीट मछली को स्टेम लाइनिंग, इन द सेंस हम आसाम से गाय अपना कुछ बफेलोस लाएंगे, कुछ मछली लाएंगे, कुछ पोर्क लाएंगे, उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट लाइन करके स्ट्रीम लाइन करने के लिए। इसलिए आदमी का सेहत के लिए जो डायरेक्ट जो मीट बेचता है वो हानिकारक भी होता है, उसमें अलग अलग प्रकार का बीमारी फैलता है जिसका चलते हमारा पब्लिक को बीमार। ईटानगर का आदमी स्वस्थ रहना है उसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए उसको हम मीटअप करने के लिए हम लोग ने एवेटर हाउस जो सिख प्रोजेक्ट था 2-3 बार कैंसिल किया हुआ था, पेमा खांडू जी का मेहरबानी से, चोना मेन साहब का मेहरबानी से वो अभी 99% तैयार में है। अभी पानी लग गया, अभी खाली बिजली लगना है, ट्रांसमिशन होने का साथ साथ उसको हमारा उद्घाटन करेंगे। दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि ईटानगर में सेप्टिक प्लान जो है अभी लास्ट वर्क बचा है, उसमें जो गाड़ी जो है अलग प्रकार से कस्टमाइज होके आना पड़ता है, 2 गाड़ी कस्टमाइज होके अभी ईटानगर पहुंच गया आज का तारीख में, उसका उद्घाटन होगा और वो काम शुरू होगा। तीसरा जो नाहरलगन में हम लोगों ने दिन रात नहीं सोके जो काम किया सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान को, जहां में 0 था सिविल वर्क हम लोग कंप्लीटेड, काम तो बहुत कम बचा है, वो है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब पाइप सारा आ गया, हमको गड्ढा कोट के पहुंचाना है मशीन तक, लेकिन कुछ लोकल इश्यूज का कारण हमारा काम करने में तकलीफ हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने गार्बेज को बहुत पर्टिकुलर रखा, गार्बेज को हम कैसे करके ईटानगर का गार्बेज को जहाँ 3 लाख का लगभग यहाँ में जो आबादी बसता है, हर घर से आप लोग का गार्बेज निकलता है, गार्बेज को मैनेज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज का तारीख में। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग यहाँ में गाड़ी अरेंज किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का मेहरबानी से, चोना मेन सर का मेहरबानी से हम लोगों ने यहाँ में सब गाड़ी मिला के 30 गाड़ी प्लस हम लोग अरेंज किया, उसमें ट्रैक्टर शामिल है, ट्रक शामिल है, जेसीबी है, स्वीपर मशीन है, अपने स्वीपिंग मशीन है और अपना कंपेक्टर, सब चीज मिला के हम लोग 30 गाड़ी से अबव हम लोगों को सौंपा है सरकार ने, जिसके चलते हम लोग अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, गार्बेज को हम लोग मैनेज करके ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आने के बाद ईटानगर में एक वर्कशॉप खोल गया, नाहरलगन में एक वर्कशॉप खोल गया, अभी अपना मेरा मैकेनिक रखा है, अपना हम लोग छोटा मोटा को करता है, बाकी बड़ा इश्यूज होगा तो वो लोग वर्कशॉप में ले जाता है, अपना डीलर में ले जाता है। लीव करने के लिए भी हमारा इधर मैन पावर नहीं है, हम क्लियर कट मैसेज दे रहा है आज, उसको हमको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग ग्रैंड चीफ मिनिस्टर सर ने जो दिया है, चोनामेन सर ने जो दिया है, उसी से हम लोग 160 हम लोग गार्बेज लिफ्टर, टेम्पोररी लिफ्टर अरेंज करके उससे हम लिफ्टिंग करा रहे हैं। इसलिए हम पब्लिक से ये आग्रह करना चाहूँगा, मैं ये अनुरोध जो भी आप बोलिए ये आह्वान करना चाहेगा कि आप टाइमिंग को काइंडली ध्यान दीजिए और इधर उधर गंदा मत फेंकिए, क्योंकि ये ईटानगर खाली म्यूनिसिपल का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, हम सबका ईटानगर है। इसीलिए हम लोग ने मेरा बागडोर संभालने का साथ साथ हम लोग 1,20,000 स्क्वायर मीटर हम लोग ने यहाँ जो भी अभी हम लोगों को बरेल ग्राउंड भी चाहिए, आगे जब सिटी बढ़ेगा तो हमारा क्रिमित्रिम भी लास्ट ईयर का एक इशू हो गया था, हम हर मीडिया में आपको बता चुका है, वो अभी होल्ड करके रखा हुआ है, वो क्रिमित्रिम फिर दोबारा आएगा, बरेल ग्राउंड बनाएगा, हम अलग अलग जो डेवलपमेंट आएगा तो बिना जमीन का होगा नहीं। और दापो एरलो में हम लोग पूरा 1 लाख किसी बंदा ने काम दिया है और काम का चलते उसने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दिया, और जो आप टेंडर किया हुआ है प्रॉपरली अपना खरसिंसा वाला जो ईपीसी मोड में, ईपीसी मतलब जो है इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों का मेरा लीडरशिप में करप्शन करने का कोई काम दूर दूर तक नहीं है,
15 फाइनेंस का 50% को रिलीज करने के लिए हम लोग 15 फाइनेंस का हम बारी बारी से बोलता है 89 करोड़ रिलीज हुआ। 89 करोड़ में 50% उसमें टाइट है 50% अनटाइट है 50%। इसलिए मेरा आप लोगों को आज इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट डे में ये मैसेज देना था कि मेरा लीडरशिप में ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कतई ही करप्शन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमको स्टेट से कोई ग्रांट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, सेंट्रल से कोई अलग फंड नहीं आता है, एक ही फंड आया, वो फंड जो है अपना टोटल ही टोटल रूल का चलते टाइट अनटाइट कैसे करना है, उसका बाद 50% रिलीज हुआ। ईटानगर को बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग अभी 2-3 तो काम नया नया कर रहे हैं, जैसे ये स्वास्थ्य के लिए यागमसो को हम लोग कैसे स्ट्रीमलाइन करेगा, फिर सिंकी व्यू को कैसे स्ट्रीमलाइन करेगा, हम नाहरलगन में अपना डिपार्टमेंट का साथ बैठ के हाईवे वाला का साथ में बैठ के ये फ्लाई ओवर को कैसे हम लोग जंक्शन बनाएंगे, चर्चा चल रहा है। लेकिन हम लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला से मिल के हम लोग ने यूएसए का टूर में सीख के आया, यहाँ में हम लोग 10 गाड़ी का प्लान कर चुका है हम लोग इलेक्ट्रिक से थ्रो वो बसेस जो है, क्योंकि हिली एरिया में हम क्लियर कट बता रहे हैं, इस मैसेज को भी गलत मतलब नहीं निकलना है, हिली एरिया में थोड़ा सा पावर का इशू होता है जो बिजली से चलता है ना, इसलिए हिली एरिया में जो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा चलता है, लेकिन आदमी का डिमांड को आदमी का जो जरूरत मन लुक जो है उसको पूरा करने के लिए वो भी कम पैसा में जो बिजली से उत्पन्न होगा ऑटोमेटिकली वो गाड़ी का भाड़ा भी कम होगा और वो चलेगा भी स्मूथली है। लेकिन ये पहाड़ इलाका में चल सकता है कि नहीं चल सकता है करने के लिए हम लोग 10 बसेस जो है ट्रांसपोर्ट में हम लोग का स्ट्रीम लाइन में है जो इलेक्ट्रिक के थ्रो चलेगा। दूसरा बात हम बारी बारी आप लोगों को जिक्र कर रहे हैं, हम सरकार का साथ भी चर्चा चल चुका है पहले लास्ट ईयर जब अपना मिनिस्टर था, अपना टूरिज्म मिनिस्टर था, अपना दापोरिजो से आता था, नालो साहब बोल के वो आता था, बहुत ही वो अपना टूरिज्म के लिए बहुत सोच रखने वाला था, वो हम लोगों ने मिल के कंपनी से हम लोग बात करके ईटानगर में रूप दे इसलिए जरूरी है कि कंजेक्शन ट्रैफिक का एक तो इशू को ख़त्म करता है, दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो जब ऑपरेशनल फुल फ्लो में होगा तो फायदा होगा। तो कंपनी से हम लोग चर्चा भी हुआ, वो सर्वे भी कर चुका है, म्यूनिसिपल का नेतृत्व में आप लोग ध्यान से चलना चाहेगा हम लोग ईटानगर का सकल सूरत को हम लोग बदल के रख देगा। इसलिए इसको प्रगतिशील बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए खाली हम लोगों को एक काम करना है, हम लोग म्यूनिसिपलिटी को अपना जितना भी डेवलपमेंट को हम लोग आगे बढ़ा के रखना है। आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हुए हम लोग जब यहाँ में कोविड हुआ था आपको मालूम है मोदी जी और पेमा खांडू जी का नेतृत्व में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे आगे निकला था। हम लोग आगे निकल के जितना मंदिर, जितना मस्जिद, जितना हॉस्पिटल्स है, जितना स्कूल है, हम खुद खड़ा होकर हमारा कॉरपोरेटर के साथ लेके, मेरा ऑफिशियल स्टाफ का साथ लेके मैंने सैनिटाइज किया। लेकिन कोविड का चलते हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। हम लोग ने बड़ा प्रोग्राम करके करसिंग साहब में आप लोग मालूम है हर वार्ड में पेमा खांडू जी का संगत में उसका डायरेक्शन में हम लोग जो है पक्का जैसे भी मोदी जी का सपना को पहुंचाना है बोल के कोविड का कॉलोनी कॉलोनी में हम लोग गाड़ी गाड़ी लद के जो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है जो उसमें एडिशनल हम लोग डाल दिया, तेल दिया ऐसे करके और सब्जी भी दिया, आलू प्याज दे के हम लोग पहुंचाया। वो तकलीफ का घड़ी में कोविड में जब भी यह क्राइसिस होता है म्यूनिसिपल हमेशा साथ में खड़ा होता है। फाइनली हम ये मैसेज ये प्रांत लेगा कि ईटानगर को क्लीन एंड ग्रीन रखने के लिए सिर्फ ईटानगर म्यूनिसिपल से नहीं होगा, हम लोग तो 24/7 है, पब्लिक भी साथ देना है, सरकार भी साथ देना है, एमएलए मिनिस्टर भी साथ देना है, पब्लिक का हित को और ईटानगर का हित को देख के इसको सबसे बेस्ट कैपिटल ऑफ द इंडिया बनाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम करना है, ना कि जातिबाजी धर्मबाजी धर्म का नाम में जाति का नाम में बिल्कुल हम लोग लड़ाई नहीं करना है। इस चंद शब्दों के साथ मैं दोबारा से यही बोलना चाह रहा है कि हमारा सारा टीम जो है मिलके काम करेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, नमस्कार, जय हिंद, जय ईटानगर, जय म्यूनिसिपल।